गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो एज यू नो कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है एंड इस टाइम पे हम अपने लव्ड वंस को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। सो इस टाइम इन दिस ईयर क्योंकि 9 फेब को मेरा बर्थडे भी है एंड देन 14 फेब को वैलेंटाइंस डे है। सो आई थॉट कि मुझे तो ऑलरेडी 9 फेब को बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं क्योंकि मेरा बर्थडे है। तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जिसकी हमें नीड होती है या फिर हम बहुत टाइम से सोच रहे होते हैं कि वो हमें अच्छा लग रहा है तो वो हमें चाहिए ही चाहिए। सो इस टाइम पे मैंने खुद को सेल्फ गिफ्ट किया है एंड आई एम सो हैप्पी कि क्योंकि मैं बहुत ही कंजूस टाइप की लड़की हूँ। लाइक मुझे ज़्यादा एक्सपेंस करना पसंद नहीं है। मैं जहाँ पे चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल हो और बहुत ज़्यादा पसंद मुझे आती है तभी मैं कुछ चीज़ें परचेज करती हूँ, और अपने लिए तो मैं बिल्कुल भी परचेज करना पसंद नहीं करती हूँ। आई थॉट कि मेरे हस्बैंड मुझे वो चीज़ ला कर दे देंगे और मैं तो मुझे खुद से परचेज नहीं करना पड़ेगा, मेरे पैसे सेव हो जाएंगे। इस टाइम पे मैंने कुछ चीज़ें परचेज की है और समझो कि ये मेरा वैलेंटाइंस डे गिफ्ट है फॉर मी। सो अगर आप इस वीडियो से आइडिया लेना चाहते हो कि अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो क्या ले, तो इससे आप आइडिया ले सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ ली है और बहुत ही यूनिक है। आई एम टॉकिंग अबाउट 3 गिफ्ट जो मैंने खुद को दिए हैं इस बार, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे सस्ता और सबसे अच्छा गिफ्ट है जो मुझे इन तीनों में सबसे 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 ज़्यादा पसंद आया है। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैंने खुद को गिफ्ट किया है ये है स्लिंग बैग, क्योंकि इस बार जब मैं अपने घर गई थी अपनी सिस्टर की शादी में तो वहाँ पे मेरा स्लिंग बैग छूट गया था एंड मुझे कहीं भी फ़ोन कैरी करना, वॉलेट कैरी करना और कुछ एक दो चीज़ें रखने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा स्लिंग बैग नहीं था। जो एक दो स्लिंग बैग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, लाइक एवरीडे यूज़ के लिए नहीं थे, वो थोड़े से पार्टी वेयर जो ग्लिटर एंड वो स्पार्कल वाला होता है वो था, तो वो मैं एवरीडे के लिए यूज़ नहीं कर सकती थी। तो मुझे एक स्लिंग बैग की बहुत ज़्यादा ही नीड थी ताकि मैं अपना फ़ोन, दो फ़ोन और वॉलेट और चार्जर एंड कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स सब उसमें रख सकूँ और कहीं भी जा सकूँ। तो उसके लिए मैंने ये परचेज किया है। दिस इज़ द ब्रांड फ्रॉम यूट, बहुत ही अफोर्डेबल है, लाइक इसकी क्वालिटी इज़ सो प्रीमियम, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है एंड इसमें आपको बहुत ही अच्छा जिप मिल जाता है लाइक दिस। इसमें मैंने अपना वॉलेट रखा है एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में यहाँ पे साइड पे भी जिप दी गई है, जिप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जितना थी। और यहाँ पे आगे पे भी आपको पॉकेट मिल जाता है ताकि आप अपनी थोड़ी बहुत चेंज रख सको ताकि जब आपको नीड हो तो आपको मेन कंपार्टमेंट ना ओपन करना पड़े। और कंपार्टमेंट के अंदर भी आपको एक एक्स्ट्रा जिप मिल जाती है जो कि आप अपने प्रीसियस थिंग्स लाइक गोल्ड या फिर किसी भी तरह की चीज़ें रख सको और वो बहुत ही सेफ रहेगी। दिस इज़ द बैग एंड इसमें बहुत ही सुंदर सी नकासी वाला प्रिंट किया गया है, यू कैन सी कलर भी वो बहुत बहुत प्रिटी है। ये सभी तरह के ड्रेस के साथ चला जाएगा। मैंने मेन पर्पज़ इसे परचेज किया है कि मैं हमेशा इसे यूज़ कर सकूँ, लाइक एवरी डे, चाहे मैं वो सूट पहन रही हूँ, चाहे जीन्स पहन रही हूँ, चाहे ड्रेस पहन रही हूँ, किसी भी तरह के ड्रेस पे ये अच्छे से मैच हो जाएगा। सो आई रियली लव दिस थिंग एंड इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, लाइक इसका प्राइस है 1499 जो कि बहुत बहुत अच्छा है इन दिस क्वालिटी जो कि बहुत टाइम तक चलेगी। एज यू कैन सी दिस इज़ द ब्रांड फ्रॉम जूक, जो कि मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें परचेज किया है, लाइक उनका फुटवेयर, उनके लैपटॉप बैग्स, ट्रैवल बैग्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सारा कलेक्शन है उनके पास। सेल्फ गिफ्ट की बात की जाए तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँ, ऐसा ना कि मैं बहुत प्रीसियस हो, बहुत महंगी हो, लेने के बाद वो मेरे वार्डरोब में ही रहे, ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मुझे अपने लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो सच में मेरे नीड का हो। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हो तो ऐसे गिफ्ट्स दो जो उनके डेली यूज़ में काम आ जाए एंड उस वो गिफ्ट आपका ज़्यादा यूटिलाइज होगा, अदर देन दैट कि आप कुछ प्रीसियस सा दो एंड देन वो उसके कवर्ड में ही, वार्डरोब में ही रखा रहे। सो अगर आप अपने वैलेंटाइंस डे समवन लव को, समवन स्पेशल को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो तो इस जूक्स में बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है। सो यू कैन जस्ट चेक आउट द जूक वेबसाइट एंड आपको बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो जूक ब्रांड इज वीगन ब्रांड एंड ये प्राउडली इंडियन है, सो यू कैन बाय इट एंड इसमें बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्रिंट्स हैं, बहुत सारे इंडियन हेरिटेज को इंस्पायर्ड करने वाले प्रिंट्स हैं एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड टू गेट 50% एडिशनल डिस्काउंट इन दिस वैलेंटाइंस डे। सो गाइस द नेक्स्ट gift I have given to myself is this a beautiful ring from Jiva. So this is like this, it is so beautiful as you can see and मैं जल्दी रिंग वेयर्स नहीं करती हूँ एंड मेरा जो वेडिंग रिंग है मैंने गोल्ड का वो प्रेगनेंसी के बाद मुझे फिट नहीं हो रहा था एंड आई हैव टू
परचेज समथिंग जो कि मैं जब वीडियो शूट करूँ या फिर कुछ स्पेशल सा हो तो वेयर कर सकूँ. तो ये मैंने जीवा का रिंग परचेज किया है एंड इट इज़ टू ब्यूटीफुल एंड आई लव इट एंड इट कॉस्ट मी ₹2000. एंड लास्ट गिफ्ट आई हैव गिवन टू माई सेल्फ इज दिस लैक्मे न्यू लॉन्च प्राइमर प्लस मैट लिक्विड लिपस्टिक 10 कलर्स न्यू न्यूड सेट्स है. सो लेट मी ओपन इट. एंड मैंने इसे अभी ओपन नहीं किया है. सो दीज आर 10 कलर्स. सो ये मेरा सबसे महंगा वाला गिफ्ट है क्योंकि इसका एक लिपस्टिक का प्राइस इस 499 है आई गेस. या इट्स 499 एंड मैंने 10 का ये पूरा का पूरा सेट परचेस किया है. सो इट कॉस्ट मी ₹5000 के अराउंड में एंड आई लाइक इट. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने ये स्लिंग बैग जुक से लिया है इसमें कितनी सारी चीज़ें आ जाएगी. लाइक इसमें मेरा वॉलेट पहले से है. देन मैं यहाँ पे ये रिंग बॉक्स रख रही हूँ. मैंने रिंग बॉक्स रख लिया, अपना वॉलेट रख लिया, उसके बाद मैं अपना फ़ोन रख ले रही हूँ. सो दिस इज़ माई वन प्लस फ़ोन. एंड उसके बाद मैं यहाँ पे के बाद ये मेरे 4 जो फेवरेट न्यूड कलर्स का सेट है ये भी मैं इसे यहाँ पे रख रही हूँ. एंड फिर भी बॉक्स में बहुत ज़्यादा जगह है लेकिन मैं इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें और भी रख सकती हूँ. सो इस बैग में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. सो दीज आर द 3 गिफ्ट जो मैंने खुद को गिफ्ट किया है. अगर आप भी किसी को अफोर्डेबल रेट में कुछ गिफ्ट करना चाह रहे हो, वैलेंटाइंस डे पे कुछ ऐसा गिफ्ट करना चाह रहे हो जो उसके लव्ड वन या स्पेशल वन के लिए बहुत ही यूज़फुल हो, जरूरी नहीं कि ये आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ हो, आप अपनी मदर को, सिस्टर को या फिर किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं. तो आई सजेस्ट कि आप इस तरह का जूट का बैग जूट के वेबसाइट पर जाके विजिट कर दें, उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको एक अच्छा सा बैग या फिर फुटवेयर गिफ्ट कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.